एक बहुत ही ईमानदार अते सच्चे सुची शख्सियत दे मालिक अपनी छोटी उम्र ही वड्डियां पुलांगा पुट्टन वाले श्री विजय अग्निहोत्री उर्फ गोल्डी जी पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नू खर्चते हुए परमात्मा दे चरणा विच जा बिराजे। श्री विजय अग्निहोत्री जी बहुत ही ईमानदार अते परमात्मा नू मनन वाले शख्सियत सन। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई त्यार पर त्यार रहा करते सन। आप जी यूथ कांग्रेस दे उग्गे लीडर सन अते समाज प्रति आप जी दा रवैया बहुत ही उदार सी अते हर एक दे काम विच आप जी उन्हां दी सहायता करया करदे सन। श्री गोल्डी जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। आप जी अपने वड्डियां दा सतिकार करन वाली अते छोटियां नूं प्यार करन वाली शख्सियत सन। श्री विजय अग्निहोत्री जी हुणां ने चाहे थोड़ी उम्र इस दुनिया ते बसर कीती पर अजिहियां यादां छड गए जिहड़ियां कदे भी भुलाईयां नहीं जा सकदियां। हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह न जाने कौन सा दे कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम हाय दिल में रह गई बात हाय दिल में रह गई बात। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों श्री सिद्ध सेवा मंदिर सिप्च 32A लुधियाना विखे करवाया गया जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। क्या पता था कि ये वो आखिरी शब्द है कि इनके बाद अब उनसे कभी मिलना नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा पता होगा तो माँ पत्नी बच्चे उनको घर से जाने ही नहीं देते। लेकिन विधान ही ऐसा है किसी को भी कुछ पता नहीं होता। थोड़ा सा भी ध्यान हो जाता कि ऐसी अविस्मरणीय घटना घटित तो होने वाली है तो क्या माँ अपने बेटे को घर से निकलने देगी? क्या पत्नी उन्हें घर से जाने देगी? बच्चों का मोह क्या उन्हें रोक नहीं लेता? लेकिन जगत में होनहार बलवान होनी तो बलवान एक दिन रावण पर भी होनी बड़ी बलवान है जो होकर के ही रहती है। पंच तत्वों में विलीन हुए श्रीमान अग्निहोत्री जी उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परिवार सदस्यों के द्वारा श्रीमद् गरुड़ पुराण जी का पाठ विधिवत किया भी गया और सुना भी गया। सन 2005 में विजय अग्निहोत्री जी जिन्हें गोल्डी जी के नाम से जाना जाता था के पिता श्री रमेश कुमार जी भी पंच तत्वों में विलीन हुए तो छोटी अवस्था में पिता का साया से उठ गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत संभाला।
परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ और भी कई लोगों की सहायता किया जाता है। कई लोग उन्हीं को अपना दाता मानते थे। बहुत ज्यादा लोगों की सहायता, जरूरतमंदों की सहायता किया जाता है और सहायता करने के पश्चात ये पता भी नहीं होता था कि इन्होंने किसकी सहायता की है। जो कोई भी उनसे कुछ सहायता मांगता उन्होंने कभी मना नहीं किया सहायता की। तो कई लोग ज्यादातर गैसपुरा की तरफ पैसे देते हैं जो उन्हें दिव्य मानते, देवता तुल्य मानते, क्योंकि उन्होंने कईयों की आवश्यकताओं को पूर्ण किया। माता श्रीमती राजकुमारी की वृद्ध अवस्था में जाकर के ये दिन देखना पड़ जाएगा माता को, ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की होती। बेटे को कितना भी रोग लग जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी दुख चिंता आ जाए, लेकिन माता पिता कभी ऐसा नहीं सोचते। बड़ी दुख घटना घटी 11 मई को, आखिरी बार परिवार वालों के बीच में जो भी बात हुई, जैसे भी बात हुई, जो भी मुलाकात हुई, फिर घर से निकले और अग्निहोत्री पुल का दीप जो है वो शांत हो गया। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में जाकर के विराजमान हो गया। पत्नी सविता अग्निहोत्री जी इस दुखद घड़ी में परिवार संबंधियों का भी पूर्ण साथ है, लेकिन जो कमी पति के चले जाने पर होती है, घर के एक सदस्य के चले जाने पर होती है, उस कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। फिर भी परिवार ने जितने भी विधियां हैं और धर्म दैहिक संस्कार हैं अब तक के विधिवत करवाए और जो आगे शेष रहती हैं वो भी विधिवत करवाई जाएंगी। तो एक परमात्मा का नाम है जो परम शांति प्रदान करता है। जो चला गया उनको भी और जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी बल प्रदान करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण भगवान की जय। बहुत सारी योजनाएं थी अपनी बच्चियों सुजाता और सिया के प्रति। आगे के विवाह के विषय में भी सोच रखा था कैसे करना, सब करना, सब उनके हृदय में चलाए मानता, सारी योजना तैयार थी, लेकिन एकाएक यह अकस्मिक घटना घटी। पुत्र यज्ञ जिन्हें कृष्णा कहकर के बुलाया करते थे,
पिता रूपी वृक्ष की छाया चले जाने पर सतन दुख की प्राप्ति होती, कष्ट होता है। जब बच्चा जब अन्यत्र माता पिता को देखता है, किसी बच्चे को अपने पिता से डांट खाते हुए देखता है, तो उसके मन में भी यही अभिलाषा जागृत होती है कि अगर मेरे पिता होते तो वो भी मुझे डांटते, मुझे प्यार भी करते, मेरे साथ घूमने जाते, मेरे साथ खेलते। लेकिन सारी आशाएं नष्ट हो गई। गोल्डी जी के चाचा राजकुमार जी अग्निहोत्री परिवार इसमें बहुत संतप्त है। गोल्डी जी के ससुर जी सुरेंद्र कौशल जी कौशल परिवार की ओर से भी दिवंगत आत्मा को प्रभु के श्री चरणों में स्थान मिले। परिवार के द्वारा भी संपूर्ण श्रीमद गरुड़ जी की कथा को श्रवण किया गया। विधान पूर्वक सुना गया कि जीव इस संसार में कैसे आता है और कैसे इस संसार को छोड़कर के फिर चला जाता है। अपनी बेटी को असहन दुख में देख करके भी अपने मन को बड़ा दृढ़ करके वो सामने खड़े बैठे हुए अपना दुख सहन हो जाता है, लेकिन बच्चे के दुख को देख पाना बड़ा दुखमय कष्टमय हो जाता है। अपने आप को जो तकलीफ आ जाए सो आ जाए, लेकिन माता पिता बच्चे के ऊपर आए हुए दुख को सहन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं पर बैठ करके कथा को सुना। और आज भी हमारे बीच बैठे हुए सारी व्यवस्था देख रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। दो बहनें भानु और दामाद राजन जी, दूसरी बहन रचना और दामाद राजेश जी, संपूर्ण परिवार इस कष्ट की घड़ी में भगवान उन्हें बल प्रदान करे। प्रति जन्म प्रबदयन्ते, प्रति जन्म जहां भी जन्म मिले वहां परमपिता परमात्मा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम चतुर्विध शरीराणि च नमः। जय जय गरुड़ कथा, जय जय गरुड़ कथा, ओ जय जय गरुड़ कथा, जय जय गरुड़ कथा, जय जय गरुड़ कथा, जय जय गरुड़ कथा, ओ जय जय गरुड़ कथा, जय जय गरुड़ कथा। इसे उनकी माता को आशीर्वाद देकर के वन गमन के लिए चले गए, तो माता ने पीछे दो बच्चों को सहारा दिया, अर्ण और गरुड़ को वेद वेदांत में पारंगत किया। गरुड़ जी केवल मात्र अपनी माता की ही भक्ति किया करते, भगवान की भक्ति नहीं करते। माता की भक्ति करने से ही परमपिता परमात्मा इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपने बाहर के रूप में स्वीकार कर लिया। अब नित्य भगवान की सेवा में लगे रहते। गरुड़ जी ने ही वो सारे प्रश्न किए कि वह जीव शरीर को छोड़कर के जाता कहां है,
तो कौन सा लोक है यहां जीव जाकर के विराजमान हो जाता है। जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। पता नहीं वो कौन सी नगरिया है, तो कौन सी नगरिया है जहां पर जाकर के उनका वास हो जाता है, केवल मात्र सुन रखता है। वो जाने है वो कौन नगरिया, वो जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए कातना खबरिया, आए जाए कातना खबरिया, आए जब जब उनकी याद पाए होठों पे फरियाद जाके वाले, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे नियार बाते, मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाते, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही, जैसे उड़ के बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहां कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, कैसे ढूंढे कुछ कैसे पता लगाए। इस संसार से जब जीव चलायमान हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। 100 वर्ष की आयु मांगी गई है, कलयुग कलिकाल में मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष आंकी गई है, लेकिन अपने 39 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके 40 वर्ष की अवधि में इस लोक से परलोक सिधार जाना कहां का न्याय संगत है। लेकिन जो सत्य है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, हर स्थिति में और परिस्थिति में स्वीकार करना ही पड़ेगा। रिश्तेदार आए हुए, सदस्य आए हुए, मित्रगण आ जा रहे हैं, थोड़ा मन फिर भी बहल जाता है, लेकिन जैसे जैसे सभी अपने अपने घर कार्य में व्यस्त होने लगेंगे तो मां पत्नी बच्चे फिर से उनके ऊपर एक घोर संकट छा जाएगा। यह जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। कहने को तो कहते हैं कि सब यादें भूल जाती हैं, लेकिन पता उसी को चलता है जिसके घर का दीपक बुझता है, जिसके घर की गली खिलने से पहले ही मुरझा जाती है, उसे ही पता चलता है कि किस प्रकार से अब मुझे आगे की ये दिनचर्या को व्यतीत करना है। आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जाकर
अपने उस मालिक की वंदगी कर सके। तो भगवान कह रहे हैं कि हे गुरु, कितना समय उसके पास शेष रह जाता है, अनर्थे जात विज्ञान, विज्ञान भी जाने वाले को बचा नहीं सकता। यह जो थोड़ा बहुत जीवन शेष रह जाता है वह भी निष्फल ही चला जाता है। ब्रह्म चिंतन करने में सदैव जागरूक रहना चाहिए। जहां ब्रह्म चिंतन करना होता है उस समय में मनुष्य के सोने का समय हो जाता है। प्रभात काल सूर्योदय से पहले ब्रह्म चिंतन करने का समय होता है, तब जीव सोया ही रह जाता है। क्षण भंगुर देह, क्षण भंगुर इसलिए कहा कि क्षण में कभी भी मौत आ सकती है, इसलिए क्षण भंगुर देह को सजाने में लगा रहता है। अनाहित प्राचितानी, प्राचित करने का भी समय शेष नहीं बचता। पृथ्वी तथ्यते, पृथ्वी समुद्र में डूब जाती है, बड़े बड़े सुनेरु पर्वत भी चूर हो जाते हैं, काल के आगे किसकी चल पाई है। कृतांते कुरुते वशमा, यह जो जीवा है इस जीवा को 32 शत्रुओं ने घेर रखा है। यह जीवा मैं करती अपने दिनचर्या को व्यतीत करती रहती है, लेकिन राम का नाम लेने में बड़ा संकोच करती है। जब प्रभु का नाम लिया जाता है तो मन में ही चलता है, धीरे धीरे ही चलता है, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाता है तो कहीं से असीमित बल आ जाता है लड़ने वाले के भीतर। वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है लड़ने के लिए कि कहीं मैं लड़ाई में पीछे ना रह जाऊं। लेकिन जब भगवान का नाम लेने के, गुरुओं का नाम जपन की बारी आती है, तो उसकी वही आवाज बड़ी धीमी पड़ जाती है। कहीं कोई सुन ना ले कि ये भी गुरु का भजन कर रहा है, होना इसके विपरीत चाहिए। गुरु का नाम बड़े जोर जोर से लेना चाहिए ताकि आसपास बैठा हुआ कोई नाम ना भी लेता हो उसके भी कानों में पड़ जाए। और विवाद झगड़ा क्रोध आदि को इतना शांत मौन होकर के करना चाहिए कि पास वैसे बैठे हुए व्यक्ति को भी पता ना चले कि इसने कब क्रोध धारण कर लिया। लेकिन हे गरुड़, इसके विपरीत है, दुख मूलन ही संसार है, इसलिए तो संसार में दुख व्याप्त हो जाते हैं। मैं किसी को मृत्यु नहीं देता, मैं किसी को जन्म भी नहीं देता, जिसे जो मिल रहा है वो अपने कर्म के अनुसार ही मिल रहा है। मैं किसी को कोई सुख और दुख नहीं देता। कोई भगवान का भजन करे, भगवान का भी उसे सुख नहीं देते, जो भगवान का भजन नहीं करता उसे भी सुख नहीं देते, जो भजन करता उसे भी सुख नहीं देते, क्योंकि सुख और दुख प्रारब्ध से ही प्राप्त हुआ करते। काल आ जाते हैं और काल आकर के मरने वाले से कहते हैं कि हे जीव, तुमने जो समय अवधि निश्चित की थी वो अवधि अब पूर्ण हो चुकी है, अब तुम अपने घर से चलो, जहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित की गई है वहां पहुंच जाओ। ऐसा हम सबके साथ होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। केवल मात्र रामचरित मानस में ऐसा वर्णन आता है, यमराज ने आकर के श्री राम से कहा कि प्रभु, आपने जो अपनी अवधि निश्चित की थी वो अभी पूर्ण हो चुकी है, अब आप अपने परधाम चलेगी। उसी प्रकार हमारे पास भी अंत समय में उनका संदेश आता है, आपने जो अवधि निश्चित की थी, हम अपने मन में की अवधि अपने आप निश्चित करते हैं। ये आत्मा निष्पाप होकर के जब धर्मराज के द्वार पर पहुंचती है तो धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा उसके सामने रखते हैं और उससे पूछते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार मुझे कितनी अवधि चाहिए। आत्मा शुद्ध है, सत्य है, चित्त है, इसलिए वो अपनी अवधि निश्चित कर देती है। अपनी अवधि को भोग करके वैसे संसार से फिर चल देता है, अपने आप में ही थोड़ा थोड़ा दूरी बना करके रखे।
वृद्धजन भी थोड़ी दूरी बना करके रखे अपना स्वास्थ्य। बहुत ही दुख की घड़ी है उस बच्चे नू साडा छोटा बच्चा विजय अग्निहोत्री जिन्हों प्यार नाम असं गोल्डी पुत्र कहते सर कुछ दिन पहला उस प्रभु पिता के अनुसार जिनी भी उन्होंने परमात्मा ने बहुत थोड़ी सी पता नहीं उस परमात्मा ने की मंजूर सी सुरसा ने मुझे दिखती सी उसनों भोग दिया हो अचानक प्रभु के चरणों में जामरा जी श्री विजय अग्निहोत्री जी गोल्ड जी छोटी जी उम्र के समाज सेवा में लगे हुए सन और कांग्रेस कमेटी के निधड़ आगू सन और हर कोई भी अनुभव आ जाता किसी को खाली नहीं मोड़ते उन्हों का प्यार समाज के हर एक दे कोई भी आ जाता से अज अग्निहोत्री परिवार के उत्ते और साढ़े सारे के उत्ते बहुत दुख भरिया समा आया है। आप सारे ने रल मिल के जिमें कहते बिखी ने जाए जानगी अरदास आप सारे ने प्रभु के चरणों के अरदास करनी है कि परम पिता परमात्मा उस साडे बच्चे तो छोटी जी उम्र के ही विचरदिया हो अनेक गलतियां हो गई होना मार्च करते हुए उस बच्चे अपने चरणों में निवास देना और पिछों परिवार को सगे संबंधियों दुख सहन की शक्ति प्रदान करना। दुख का समा विजय अग्निहोत्री के माता जी राजकुमारी वो भी बैठे हैं उन्होंने धर्मपत्नी साड़ी बेटी सविता वो परम पिता परमात्मा जानता है उन्होंने अंदर जानता है कि दुख का भरा समा समय आया है। उन्होंने बेटी सुजाता सिया बेटा जिन्होंने असं कृष्णा के नाम से पुकारते हाँ परमात्मा उन्होंने शक्ति प्रदान करे ताकि आने वाला समा हो बहुत वधिया तरीके दे नाल बीतै। सब तो पहले मैं बहुत सारिया पार्टियां समाजिक संस्थावां के आगू आए हुए हैं कोविड करके उसनों भी मद्देनजर रखते हुए आके परिवार नाल सांझा करके गए हैं। सब तो पहला मैं गोल्डी जी की बेटी सिया नूं बेनती करूँगा वो अपने पापा नूं कुछ ना कुछ जो दियां मन दियां भावना सी वो अर्पण कर बेटी सिया the person who gave me every happiness in my life, the person who is one in the beginning, my identity, my papa, who is the role model of my life. I have a unique bond with him. One quote or one incident cannot describe him. He was friendly with us, loving with mom, and quite mature and caring with brother. He was our genie. Everything he would point at would be ours the very next moment. Papa usually asked me, "Aur bata moto kaise hai?" Krishna was his monkey and idol. And for Sujata, to tease her, he would always use this phrase, "Padhoge, likhoge, banoge kabar, kheloge, kudoge, banoge nawab, tere ban ke hala." Papa, today everybody here knows me as your daughter. But I assure you, a day will come when everybody would know you as my papa. I will make you proud and alive again. Love you, Papa, and send you. Siya beti ne apni aman di bhavna tode samne prakat kitiya ke pita da pyar kinna vadda hai विजय अग्निहोत्री के चाचा जी राजकुमार जी बैठे हैं उन्होंने सारा परिवार बैठा है बहुत दुख हो रहा है। मेरे बड़े भरा सुरेंद्र कौछल जी
रेनू कौशल जी और उन्हों का सारा परिवार बैठा है। बहुत ही इलाके के दुख का समा है। उन्होंने भैन अर्चना जी, भानू जी और उन्हों का भी परिवार, ये तो उन्हीं जानती हैं कि मेरा भरा एकदम कितने चल गया। हम असं वीर बन के किन बुलावे परिवार के नाल दुख साझा करन वास्ते बहुत सारे संजय दरबार जी MLA वो भी परिवार का दुख साझा करके गए हैं। मोहन लाल जी संत श्री आसा राम जी आश्रम वालों वो भी आए हैं। रकेश पांडे जी MLA साहब वो भी बैठे हैं परिवार का दुख साझा करने वास्ते। दुशांत पांडे जी उन्होंने बेटे वो भी आए हुए हैं, उन्हों का भी धन्यवाद किया जाता है। रजनीश धमान जी पंजाब BJP वालों वो भी आए हुए हैं, उन्होंने भी धन्यवाद किया जाता है। लखविंदर शर्मा जी, बलविंदर पीटिया जी, मनोज तिवाड़ी जी, केवल गुप्ता जी, रवि सिंगला जी, अंकित बंसल जी होए जी मुख्यमंत्री जी वो भी आए हैं, उन्होंने भी धन्यवाद किया जाता है। जिला प्रधान BJP वालों पुष्पिंदर सिंगल जी आए हैं, परिवार का दुख साझा करके गए हैं, उन्हों का भी धन्यवाद किया जाता है। करतेंदू शर्मा जी महामंत्री BJP लुधियाना, अमरिंदर सिंह जी मल्ली SDM वैसट वो भी परिवार का दुख साझा कर रहे हैं। ACP दरविंदर सिंह जी वो भी परिवार का दुख साझा कर रहे हैं। नरेंद्र काला जी पूछन अर्थ मंत्री जी के ब्रदर वो भी परिवार का दुख साझा कर रहे हैं, उन्होंने भी धन्यवाद। MP सिंह जी, रविंदर सिंह जी गावड़िया कौंसलर साहब, रविंदर सिंह जी शीला MC, केवल गर्ग जी BJP वालों, जगेश हांडा जी, सुखदेव बाबा जी MC, बिपन कुमार जी, परमिंदर सिंह जी सोमा एक्स कौंसलर, सिकंदर सिंह जी मनु जिन्हों का परिवार का बहुत प्यार है, कौंसलर साहब वो भी आए हुए हैं। परमिंदर सिंह जी लाकड़ा MC साहब वो भी आए हैं। हम कोविड को समय में देखते हुए मैं बेनती करूँगा पंजाब BJP वालों श्री रजनीश धमान जी उस साडे बेटे दिवंगत आत्मा श्रद्धा सुमन भेंट कर, उन्होंने बाद श्री अश्विनी शर्मा जी जिला प्रधान कांग्रेस सब का धन्यवाद करके श्री धमान साहब इस दुख की घड़ी जदों साढ़े बहुत ही होनहार सब के मन चाह वाले आदरणीय गोल्डी जी उस अकाल पुरख द्वारा दिती गई बहुत घट स्वासा रूपी पूंजी मैं समझता उन्हें आनंद तो माण ही नहीं सके और उस प्रभु के चरणों जा रहा जी। जिंदगी बड़े ऐसे घटनावां होंदियां ने जदों उस अकाल पुरख नाल उस परमात्मा नाल उस प्रभु के नाल बड़ा रोष होंदा। जदों समय तो पहला समाज का एक होनहार हीरा हमेशा हरेक के दुख सुख च खड़न वाला मैं निजी तौर पर देखिया जब भी उस बच्चे को असीं मिले हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट और कुछ करने की प्रेरणा। ऐसा बच्चा जो समय तो पहला अपनियां बहुत सारिया जिम्मेवारियां दुनिया छड़ के चले जाता तो उस अकाल पुरख नाल रोष समुचे समाज में हुंदा। असीं कहने जरूर हाँ बेशक और मनना भी पैदा कि उस अकाल पुरख का जो ने लिखिया जो ने कहा जो ने स्वासा रूपी पूंजी दिती आ उन्नी आनंद मनना पर प्रभु के चरणा च रोज करना जरूर दिल कर। हमेशा जदों उस बच्चे नूं मिले बड़ा खुश मिजाज बेशक कांग्रेस पार्टी सेवा करता सी लेकिन नाल धर्म का समाज का सारे कामों के पढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लेता। बच्ची बोल रही सी तो मन बड़ा भावुक हो गया। एक होनहार बच्चे साढ़े शास्त्रां च भी लिखिया जिस माँ बाप के बच्चे होनहार होंदे ने वो आत्मावां कदे भटकदियां नहीं वो आत्मावां हमेशा समाज के विच जींदियां रहिंदियां। उस बच्चे ने अपने फादर नाल जो उसके सपने से उन्होंने साकार करने के लिए
जो अपने शब्दों के रूप में कहा मैं समझदा इस तो वड्डी उस पवित्र आत्मा को संतान नहीं हो सकती और बहुत वड्डी गल बची कह गई। मैं सोचता भी परमात्मा कारपुरख साडे इन बच्चों के उत्ते मेहर प्यार हथ रखे साड़ी उस बच्ची से जिसे सिर तो दा साईं चला गया साढ़े सत्कार जो माता जी जिन्हों का बच्चा हाथों चो चले गया समुचा कोशल परिवार अग्निहोत्री परिवार इस दुख की घड़ी के विच ये ऐसा दुख है जिन्हों बर्दाश्त करना और सहना बड़ा मुश्किल लगता लेकिन फिर वही अगी रख उस अकाल पुरख का पाना मनना पैदा। दलीप सिंह जी मार्गी प्रताप चौंक उन्होंने वालों भी परिवार का दुख साझा किया जा रहा है। रामनगर मार्केट एसोसीएशन उन्होंने वालों भी शोक मत आया है। मोगा बैटरी ट्रेडर एसोसीएशन उन्होंने वालों भी शोक मत आया है। गऊ सेवा समिति जमालपुर उन्होंने वालों भी शोक मत आया है। नरिंदर शर्मा जी कला कौंसलर साहब उन्होंने वालों भी शोक मत आया है। डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा श्रीमती लीना टमारिया उन्होंने वालों भी शोक मत आया है। संत श्री आशा राम जी आश्रम उन्होंने वालों भी शोक मत आया है। अगर मैं किसी का नाम नहीं कह सकिया टाइम देखते हुए माहौल देखते हुए मैं उन्होंने क्षमा जाचक मानता हाँ। हुण मैं बेनती करूँगा अश्विनी शर्मा जी परिवार के मैंबर वो साडे बच्चे श्रद्धा सुमन भी देंगे और आए हुए सारे सज्जनों का जिहड़े भी दुख की घड़ी के विच इक कदम चल के परिवार नाल दुख साझा कर लिया हैं उन्होंने धन्यवाद भी करेंगे और जे किसी का नाम नहीं लै सकया तो अश्विनी जी उन्होंने नाम लैणगे। श्री अश्विन शर्मा जी जिला प्रधान कांग्रेस लुधियाना बहुत ही दुख की घड़ी के ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਜੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। शायद यहोजी औखी घड़ी मेरे वास्ते कोई नहीं जरा मैं श्रद्धा रूप में करने वास्ते हाजिर होया। राजीव टंडन जी खड़े है उन्होंने नाल हिंदू धर्म के उत्ते बड़ा काम किया उस हल्के जिते लोग कहते हैं कि बड़े औखे है चलना हमेशा कभी अकालिया लड़ाई कभी किसी ना लड़ाई लैके उसने कांग्रेस पार्टी का झंडा चुकी रखा। छोटी जी उम्र यूथ कांग्रेस की शुरुआत की और कल लुधियाने च नहीं एक हल्के च नहीं पूरे पंजाब च अपना नैटवर्क ऐसा बनाया कि उसके जो दोस्त सिरे अज भी बहुत सारे मैं देख रहा बैठे इतने अज वो गोल्डी चल गया कि जो मर्जी झिड़क लिया कल खिंच भी गए थे लेकिन अज साडे च नहीं रहे। एडी अचीवमेंट की थी कि सीएम दरबार के नौजवानों का भरा बैठा दमन मोदी जिन्हें हमेशा चलिया भरावान की तरह चले मेजर अमरदीप जी जो पोलिटिकल सैकटरी सी एम साहब है वो चाहे यूएसए बैठे फिर भी हम शोक संदेहा आया उतों उस दिन कैप्टन संदीप संधु जी आके गए पोलिटिकल सैकटरी राजीव राजा जी बैठे है पुराने मुझे साथी वो पप्पी इलेक्शन के ऐसा इलेक्शन सी पप्पी जी वह कि जितने बहुत घट लोग डे थोड़े नाल किस तरह खड़ा सी सो यह शख्सियत छोटी उम्र के अपना एडा वड्डा नाम पैदा कर गया लेकिन अज सानू गोल्ड ही नहीं मिलना
ਜਦੋਂ ਗੋਡੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਐਸੇ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨੂ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੋਨੀ ਮਾਂਗੜ ਜੀ ਚੇਤਨ ਰਵੇਵਜਾ ਜੀ ਚੇਤਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਆਸ਼ੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਰਜਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੂਜਰ ਪੰਡਾ ਜੀ ਗੜ੍ਹ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਔਰ ਆਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮ ਪੂਜਰ ਪੰਡਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰੇ ਅਰਯੋ ਜੈ ਜਗਦੀ ਸ਼ਰਾਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੈ